तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप में। तो जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट था कि NBC टाइप जो फाउंडेशन होता है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि OHE में जो फाउंडेशन बनता है उसका क्वांटिटी निकालने के लिए, तो आज मैं एक फ्रेश वीडियो इस पे बना रहा हूँ ताकि आप लोग को ये क्वांटिटी निकालना आ जाए। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे ये NBC टाइप है, ठीक है दोस्तों। तो आइए पहले इसके हम सारे मेजरमेंट्स देख लेते हैं, फिर हम आपको चार स्टेप में बताएंगे कि इसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं आज NBC 101 का बात करेंगे। इसमें ए है जो डायमेंशन दिया हुआ है, बी है, B1 है, A1 A2 है, B1 B2 B3 है और S2 S3 है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि A1 कहाँ पे है, A1 इधर है, A2 इधर है, B2 इधर है, B3 इधर और B1 इधर, ठीक है दोस्तों। और इसके पास साथ ही साथ हम देख पाएंगे इसका हाइट कितना है। तो ये कि यहाँ से हम अगर ये ड्रा कर दें तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, बाकी ये ट्रेपेज़ॉइडल हो जाएगा और फिर मैं इसको एक सेक्शन मार्क के काम कर सकते हैं। तो देखिए एक हो गया, ये हमारा ट्रेपेज़ॉइडल 2 हो गया, एक कॉलम हो गया तीसरा स्टेप, और ये जो स्टेप है ये हमारा हो गया चौथा की क्वांटिटी निकालेंगे। तो आप एक बार देख लीजिए क्या क्या क्वांटिटी है, इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला स्टेप है क्वांटिटी ऑफ NBC 101 फाउंडेशन, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। NBC 101 फाउंडेशन का हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो मेरा स्टेप 1 है इसको आप चाहें तो कहीं भी नोट कर सकते हैं, हमेशा काम आएगा आपके लिए। तो ये फाउंडेशन के निकालने के लिए A1 × B1 × 0.15, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम स्टेप 1 है हमारा, इसको हम क्वांटिटी मतलब इसकी वैल्यू रखेंगे। तो A1 हमें पता है कितना है, A1 दिया हुआ है हमारा 1.1 और B1 है 1.20.150। तो इसको निकालेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 0.198 मीटर क्यूब में, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम स्टेप 2 की बात करते हैं। तो स्टेप 2 में हमारा एक चीज़ हमें देखना होगा, उस पर हमको गौर करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ से एक लाइन हम ड्रा कर देंगे, इसका हम निकाल लिए। अब जो ये एरिया है, ये जो ट्रेपेज़ॉइडल बन रहा है, इसका हम निकालेंगे दूसरे स्टेप में। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो एरिया है इसका पहले हम ए मतलब एक एक्स मान लेंगे और इसको वाई मान लेंगे। तो एक्स जो मेरा होगा ये एरिया निकलेगा कितना, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम इतने की बात कर रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए। तो हम जो एक्स माने थे, एक्स बराबर हम लिखेंगे A1 × B1, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये हो जाएगा 1 A1 पहले हम रखेंगे 1.1
10 इंटू बी वन हमारा जो है वो हमारा 1.20 है, तो इसको जब मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 1.32, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है दोस्तों, और जो हम वाई निकालेंगे उसमें हमारा क्या आएगा, B2 इंटू A2। अभी हमारा B2 और A2 कहाँ से आ रहा है ये भी हम आपको फिर से ड्राइंग पे ले चल रहे हैं। तो दोस्तों हमने क्या बताया है, B2 और A2, ये जो हमारा B2 दिख रहा है और जो A2, ये हमारा मतलब यहाँ का होगा। ठीक है, ये हमारा B2 इंटू A2, ये हमारा यहाँ का होगा। तो दोस्तों हम इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो B2 हमारा कितना है, 0.8 इंटू A2 भी हमारा 0.8 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.64 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम ये तो हम एरिया निकाल लिए, भुजाल का फार्मूला आप सबको याद होगा, H/3। यहाँ पे हम एक्स में निकालेंगे तो हम एक्स का ही लिखेंगे, अभी x² + y² + √(x,y)। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में हम इसको पुट करेंगे, तो ध्यान से देखिए कि कैसे हम पुट करते हैं, यहीं पे तो मेन प्रॉब्लम है। तो इस फार्मूला को हम लोग इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ये फाउंडेशन है, यहाँ पे H2/3 x² + y² + √(x,y)। ठीक है दोस्तों, तो जब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे तो H2 का वैल्यू जो है हमें गिवन है 0.2/3, और ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये वैल्यू था 1.32। इसको स्क्वायर करेंगे प्लस 0.64 का स्क्वायर करेंगे प्लस √(1.32 इंटू 0.64। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको पूरा साफ कर लेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा 0.204 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। स्टेप थर्ड की तरफ स्टेप थ्री जो है हम फिर से आपको ड्राइंग की तरफ ले जाएंगे। जो हमारा तीसरा स्टेप होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा दोस्तों। ठीक है, जो ग्राउंड लेवल से नीचे का, तो हम इसको अब निकालते हैं। मैंने ऐसा फार्मूला बनाया है ये इसी फाउंडेशन के लिए, B2 A2 H3। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें वैल्यू रखते हैं, तो B2 जो हमारा है वो 0.8 है और A2 भी हमारा 0.8 है, और जो हमारा ये H3 है
ये हमारा है 2.50। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 1.6 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो हम तीसरे स्टेप तक पहुंच गए। भाई चौथे स्टेप पे चलते, स्टेप नंबर 4। तो फिर से हम आपको ड्राइंग की तरफ ले जाना चाहेंगे। तो दोस्तों अब हम कौन सा पार्ट देखेंगे, जो B3 है, B3 है और E2, ये जो ये पार्ट है यहाँ पे थोड़ा छोटा दिखा रहा है, बट जो मेजरमेंट में दिया है हम उसी हिसाब से निकालेंगे। और इसकी हाइट जो होगी ये यहाँ पे दिखा के दोस्तों, तो हमने B3 की वैल्यू दी हुई है और A2 की वैल्यू हमें दी हुई है और ये हाइट की वैल्यू हमें मिल गई। तो हम इससे आसानी से इसको निकाल सकते हैं, वो होगा B3 × A2 × 0.150, जो कि हमें ऊपर दिया हुआ है। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो 0.8 × 0.150। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.096 मीटर क्यूब। तो हमने 4 स्टेप को हल कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, 4 स्टेपों को ऐड करना होगा। ठीक है दोस्तों, Step 1 + Step 2 Step 3 + Step 4। ठीक है दोस्तों, Step 4। अब हम वैल्यू रखते जाएंगे। तो पहले हमें वैल्यू मिला था कितना, 0.198। दूसरा वैल्यू हमें कितना मिला था दोस्तों, 0.04। तीसरा हमें मिला था दोस्तों 1.6। चौथा मिला था 0.096। अब हम इसको ऐड करेंगे तो दोस्तों जो आएगा हमारा वैल्यू वो 2.098। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्यूबिक मीटर, या इसको हम मीटर क्यूब भी बोलते हैं। तो देखिए कितने आसानी से हम इसको क्वांटिटी निकाल लिए। और आप इसको मैच करा सकते हैं कैलकुलेशन का जो कैलकुलेटर होता है उस पर, थोड़ा बहुत एरर मतलब कभी आगे पीछे दिखाता है। तो आपको जो उसमें दिया हुआ होगा वो 2.086 होता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यही एक फार्मूला है कि जिससे हम इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।